हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का हमारा प्लान है रुद्रधारी वाटरफॉल पे जाने का, जहाँ हम लास्ट टाइम भी गए थे। तो आज हमारा प्लान है वहाँ पे नहा के भी आएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, अभी रेडी होते हैं जल्दी से। तो गाइस, अभी मेरे पास ना एक तो गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। पहले गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़? तो गाइस, ये देखो फ़ोन के बैक का क्या हाल हो गया है, पूरा चकनाचूर हो चुका है ऊपर से नीचे तक, बस कैमरा बच गया। तो मेरे आईफोन 12 प्रो का बैक देखो पूरा कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। ये मतलब दो बारे में हुआ था, एक बारी में नहीं हुआ। पहली बार में तो ये मेरे हाथ से फिसला, जल्दी जल्दी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, ऐसे पहाड़ों पे तो हो ही जाता है। तो एकदम से ऐसे मतलब बारिश भी हो रही थी, बारिश में शॉट ले जाता है, ऐसे हाथ से फिसला और इतनी ऊपर से ऐसे छलक के नीचे गया और पीछे से क्रैक हो गया यहाँ से, ठीक है। कुनाली और पीयूष खेल रहे थे, तो कुनाली के हाथ में पत्थर था, वो कुनाली ने बिना देखे ऐसे फेंका और वो सीधा इसके बैक पे लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कैमरा बच गया और फ्रंट बचा हुआ है, तो फ़ोन सही चल रहा है। वैसे इसका इंश्योरेंस ले रखा मैंने, तो नया फ़ोन मिल जाएगा मुझे, कोई टेंशन नहीं है। बट अभी तो मैं गाँव में हूँ ना, तो अभी तो मुझे कैमरा चाहिए, फ़ोन चाहिए, तो अभी तो ये यूज़ कर रहा हूँ मैं फिलहाल। मेरे को पता था एक ना दिन ये होने वाला है, इसलिए मैंने इसका इंश्योरेंस ले लिया था जब मैंने फ़ोन लिया था, बिकॉज इतना महंगा फ़ोन है और मेरे को पता मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ। मैं जल्दी शूट करता हूँ, पहाड़ों पे देखा हुआ आपने किस तरह ट्रैकिंग करता हूँ, तो मेरे हाथ में ही फ़ोन रहता है, तो गिरने के चांसेस रहते ही हैं। तो वही हुआ, गिर गया, और अब इंश्योरेंस है तो मेरे को नया फ़ोन मिल जाएगा। जब हल्द्वानी जाऊँगा ना, तो वहाँ जाके एप्पल केयर से ले लेंगे नया फ़ोन। और नीचे की साइड से ना ज़्यादा ही फूट गया, तो यहाँ से चुभ भी रहा है, बाकी ऊपर से तो क्रैक ही आए हैं। बाकी देख लो, एक अलग ही डिजाइन बन गया बैग का, ऐसा लग रहा है डिजाइन है, कोई कवर लगा रखा है मैंने। और मैं कवर भी यूज नहीं करता, बिकॉज ना जेब से निकालने डालने में दिक्कत होती है। मैं दिन में इतनी बार जेब से निकालता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, अगर कवर लगा होता फिर दिक्कत होती है। तो बैड न्यूज तो मैंने आपको बता दी, फोन टूट चुका है, बट कोई बात नहीं, अभी चल रहा है तो ब्लॉगिंग तो कर ही सकते हैं इससे। और गुड न्यूज ये है कि हमारे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं, सिर्फ 20K बाकी हैं, तो एक दो दिन में हो जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं किया तो सपोर्ट कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर दो। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फैमिली हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी? तो गाइज, आई होप आपको टाइम लैप्स पसंद आया होगा। और फिलहाल मैं कैमरे से व्लॉग कर रहा हूँ और मौसम एकदम से पूरा खुल चुका है और आज धूप भी आ चुकी है काफी बढ़िया, मतलब बीच में आसमान दिख रहा है और आज धूप भी निकली है काफी टाइम के बाद, तो काफी अच्छा लग रहा है ये बादल देख के। फिलहाल मैं टाइम लैप्स ले रहा हूँ इसके कैमरे से, जो कि आपने पहले ही देख लिए होंगे। मौसम खुलने के बाद ना पहाड़ और व्यू और भी ज्यादा प्यारा लगता है। बस मौसम हमारा साथ दे और ऐसे ही धूप रहे, बाकी सब तो पता नहीं कितना लेट करेंगे। फिलहाल मैं गाड़ी में सामान तो रख देता हूँ अपना, देखते हैं कौन कौन जाएगा, बिकॉज खतरनाक रास्ता है। तो मैं तो मम्मी को बोलूंगा कि अवॉइड ही करो, बिकॉज नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है ना, और ओरियो को भी नहीं ले जा सकते हम वहाँ पे। मैं पता है हेलमेट भी लेके आया था, अगर कहीं पे टू व्हीलर मेरा स्कूटी वगैरह तो मोटर व्लॉग भी कर सकते हैं, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 9 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे, बट अल्मोड़ा में हो जाएगा, अल्मोड़ा में मिल जाएगी स्कूटी, तब मोटर व्लॉग करेंगे। ये तब से गाड़ी में ही पड़ा है। सोफी, कुनाली, ओरियो इतना छोटा क्यों है? क्योंकि वो कम खाता है। आप इतने छोटे क्यों हो? क्योंकि मैं भी कम खाता हूँ। मैं इतना बड़ा क्यों हूँ? क्योंकि आप ज्यादा खाते हो। ये 3 दिन से लगातार व्लॉग में यही चल रहा है, ज्यादा कम ज्यादा कम। तो अभी मैं यहाँ पे आया था पानी भरने के लिए, अम्मा भी आई है पानी भरने के लिए। अम्मा देखो कैसे साफ करती है पहले। अम्मा आप ले जा ले तो, बाल्टी भरी हुई ले जा ले तो, भारी नहीं लगता आपको? मैं बता देता हूँ, रुको, अम्मा ये उठा देगा आपको। आपके बच्चे कहाँ हैं? कहीं नहीं है, मेरे पास है। नहीं है? नहीं, तुमने बताया? अब अकेले रहते हो? अकेले सुमें हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, अकेले रहती है, सारे काम अकेले करती है, खाना बनाना, पानी लेके जाना, कपड़े धोना, सब कुछ 90 ईयर्स होने के बावजूद। तो गाइज ओरियो सैड हो चुका है, बिकॉज हम उसको छोड़ के जा रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन मम्मी यहीं पे, मम्मी को मैंने बोल दिया कि आप मत चलो, बाकी यहाँ पे लकड़ियाँ काट के रखी हैं खाना बनाने के लिए, घास रखी है, दाल रखी है, मिर्च रखी है, बर्तन रखे सुखाने के लिए। किसको? इसको मालवानी को, इसमें नहीं, इसमें गाड़ी में रखियो। ये सभी के सभी इतना लेट करते हैं ना, मैं दूसरी टाइम जा रहा हूँ, देख लो, गाड़ी में सामान रखने के लिए कोई एक बार भी नहीं आया। तो आज हमारे साथ में जा रहे हैं दादाजी, अम्मा नहीं जा रही साथ में। तो अभी गाइस रास्ते में हमको पहला लैंडस्लाइड मिल चुका है, बट रास्ता है यहाँ से जाने का,
तो हम यहाँ से निकल लेंगे। देखो यहाँ से पूरा नीचे रखा है। आगे मार्ग संकरा है, कृपया सावधानी पूर्वक धीरे चलें। तो अभी जो रोड है वो काफी पतली होती जा रही है और काफी ज्यादा गड्ढे भी है इसमें। कैसा लग रहा है, डर लग रहा? नहीं लाला, डर ड्राइवर हमारे साथ तगड़ा है, किस चीज का डर? ओहो, कॉन्फिडेंस है। तो गाइस अभी पहली बॉर्डर क्रॉसिंग आ चुकी है। अभी मैं आगे से वीडियो बनाऊंगा निकलने की, सो अभी मैं जा रहा हूँ इसको पार करने। मैं भी बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहा हूँ, गाड़ी भी करेगी अभी। अरे भैया मेरे को कहाँ छोड़ के था। अरे तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। ट्रैकिंग की यात्रा शुरू हो गई है, बस ज्यादा नहीं आना। जब हम बीनाथ गए थे तब तो बहुत चले थे हम और देर भी लगी थी, यहाँ से हम एक घंटे से भी कम आराम से पहुंच जाएंगे। रिवर क्रॉसिंग करनी है मेन, तो नदी की आवाज तो बहुत तेज आ रही है, होपफुली भी नदी तेज ना हो। आज वाली ट्रैकिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज इसमें हमको चढ़ना नहीं है, इसमें सिंपल रास्ता है। देखो हमारे चारों साइड पहाड़ ही पहाड़ है, तो नीचे की साइड चलना है हमको। बस जो मंदिर है वो नीचे है, जो वाटरफॉल है वो नीचे ही है, ऊपर नहीं है। थैंक गॉड तेज पानी नहीं है, यहाँ का पानी पूरा भरा नहीं हुआ, वरना पत्थर भर रहते हैं। सैला तो गया आगे, पानी की आवाज बहुत तेज आ रही है। अरे बहुत इजी है, अरे नहीं भीगेंगे जूते, मेरे नहीं भीगे, यहाँ रखो यहाँ। सर्द जोश में अरे नीचे देखा। थर्ड रिवर क्रॉसिंग आ गई है। मेरे पैर पे लगी, तो गाइस मेरा काम हो चुका है। तो यहाँ भी हमको रास्ते में गिंगारू मिल गया खाने के लिए, थोड़े बहुत खाते हैं एनर्जी आएगी। यहाँ पे तो गाइस बहुत सारे हैं, देखो ये पेड़ है, यहाँ पे सारे गिंगारू के ही पेड़ हैं, कितने भी खा सकते हो, पूरे दूर दूर तक देखो गिंगारू, ये जितने भी लाल लाल दिख रहे हैं ना सारे गिंगारू। मैंने तो खा लिया, मेरा मन नहीं भरा अभी भी। तो गाइस यहाँ पर फोर्थ रिवर क्रॉसिंग आ गई है, ये अरे धक्का मत मारना रे, पिछली बार तो मेरे साथ हादसे हो गए थे, सो ये फोर्थ रिवर क्रॉसिंग भी सक्सेसफुल हो गया। थर्ड में मैं भीग गया, गंदा ही गिरा उसमें, तो मैं थोड़ी सी लग भी गई मेरे पैर पे। लास्ट फिफ्थ भी आ गई, चलो अभी फिफ्थ को भी पार करते हैं। बड़े पापा का सही है, सैंडल पहन के आ रहे हैं, पानी के अंदर से जा रहे हैं। क्या हुआ? पानी अब हुआ, पानी आ गया स्वाद भाई। नहाऊंगा जरूर, चाहे कितना पानी हो जाऊं, नहाने आया हूं मैं। गाइस मैं आप समझ सकते हो मुझे कितनी गर्मी लग रही है। बाउंडर आएगा, बाउंडर तारा भाई जोगिंदर, भाई जोगिंदर इतना नहाएगा, इतना नहाएगा। लो अब सिक्स वाटर क्रॉसिंग आ गई है, पानी नहीं होना। हया हुई, सेवंथ वाटर क्रॉसिंग हो रही है सबसे आगे जाते हुए। अब यहाँ पर सीढ़ी आ चुकी है, तो सांस फूल रही है, अब पसीना। तो फाइनली गाइस मंदिर पहुँच चुके हैं, एंड वहाँ पे है वाटरफॉल, वहीं पे नहाएंगे हम। तो फाइनली वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, चल नहाए। तो गाइस आए तो हम झरने में नहाने के लिए थे, बट जैसे ही हम पानी के अंदर गए इतना ठंडा था ना, मतलब मेरे तो पैर अभी तक सुन्न हो रखे हैं, तो हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी नहाने की, बिकॉज बहुत ही ठंडा था, बहुत ही ज्यादा। बट मंदिर में पूजा कर ली, जल चढ़ा दिया हमने, और अब जा रहे हैं घर की साइड वापस। तो गाइस मेरे पैर और जूतों का क्या हाल हो गया, देखो जूते और लोवर खराब हो गए मेरी। तो गाइस अभी हम रोड पे पहुंच चुके हैं, ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई है, और चढ़ते पूरी भूख लग गई थी। तो फिलहाल अभी हमने मैगी ऑर्डर की है, और कर भी क्या सकते, मैगी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हरी मिर्च तो है इसमें, प्लेन नहीं है भाई ये। टेस्ट करके देखना हरी मिर्च क्या है। अच्छा हरी मिर्च ही है, टेस्ट क्यों करूं? तो क्या हुआ, अब खा लेते हो? मैं ऐसे थोड़ी ना खाता हूं। तो ये आई थिंक मैगी नहीं है, ये है यूपी नूडल। थोड़ी थोड़ी मैगी खा लिया हमने, अब चलते हैं घर की साइड, घर जाके मस्त दाल चावल खाएंगे। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, जल्दी निकलते हैं। सुन तू डी जी नानी, इधर तू लगती जानी पहचानी।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अभी घर चलते हैं। ओरियो की आवाज आने लगी, ओरियो ने पहचान लिया कि हम आ चुके हैं। आप इतने छोटे क्यों हो? अरे यार कितने बार पूछे गए ओलू सरदा आ गए हैं वाली। अभी हम आए थे और साहिल और पीयूष पता नहीं कहाँ चले गए हैं, शायद नदी में गए होंगे। मतलब अभी आए हैं इतना ट्रैवल करके और फिर चले गए वो नदी में। मना किया ना नदी में जाने के लिए, चल चुपचाप घर चल ले चुपचाप। नदी में आगे से दिख गया ना, मार खा लेगा। हाँ तो अभी फिलहाल लंच करते हैं। थैंक यू चाची, थैंक यू। तो गाइस क्या ही टेस्ट हो रहा है, मजा ही आ गया। कढ़ी चावल गांव के खाने में तो अलग ही टेस्ट होता है, एकदम मस्त है ना। मैं तो पूरा ही मिक्स कर लेता हूँ। दादाजी पानी लेके आ रहे हैं धारे से। तो भी गाइस रात के 10 बज चुके हैं, एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, बाकी सब सो चुके हैं। फिलहाल इसको मैं एंड करता हूँ, शाम को कुछ मैंने शूट नहीं किया, बस था ही नहीं ज़्यादा। तो बस आई होप व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे को ये सुन में आया कि कैमरे कैसे बच गए, कैमरे तो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। देख देखो सही बच गए।